नमस्कार आदाब, इंडिया नजर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इंडिया नजर न्यूज के लिए मैं पूजा तोमर, पेश है अब तक की मुख्य समाचार। बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे वह आयोजक करें, चाहे वह नगर निकाय या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए लोग करें। इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए, जिससे गंदगी न होने पाए। और वह जो सॉलिड वेस्ट आप डालेंगे वह एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बस्ती से दूर हो, नहीं तो बहुत तेज बदबू करेगा, उसके बाद तमाम प्रकार की बीमारियां और अन्य संक्रामक बीमारियां वहां पर होने के खतरे होते हैं। इन चीजों को सुनिश्चित करेंगे, उसको पानी में बहाएंगे भी नहीं, यह भी सुनिश्चित करेंगे। जल जमाव न हो कहीं भी नगरीय क्षेत्र में, चाहे वह बकरीद से जुड़े हुए आयोजन हो, कावड़ यात्रा से जुड़े हुए हो, नागपंचमी के कार्यक्रम हो, या फिर श्रावण पूर्णिमा के या सावन जो मेला लगता है अयोध्या में, कहीं भी जल जमाव न हो। और 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है। देखिए सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान इस दिशा से इसकी कार्ययोजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें, और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है। और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए, संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निचले स्तर पर कहीं पर थानाध्यक्षों, थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थानाध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, इनके माध्यम से भी कुछ धर्मगुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के जो मानिंद हैं, अलग अलग तबके के, उन लोगों के साथ भी संवाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पर्व और त्यौहार कोई भी हो, शासन की जिम्मेदारी बनती है वहां पर सुविधा देना और सुरक्षा का बेहतर माहौल देना। कोई भी पर्व और त्यौहार हो, परंपरागत तरीके से हो, परंपरा से हटकर कुछ भी हम न होने दें। आयोजकों के नाम नोट करें, आयोजकों से हम लोग एप्लीकेशन जरूर लें।